आज के इस दौर में जहां अधिकतर लोग ऐशो आराम की जिंदगी जीना पसंद करते हैं, 9 से 5 की अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब प्राप्त कर बेहतर जीवन जीने की तमन्ना अधिकतर लोगों की ख्वाहिश होती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस ऐशो आराम को ठोकर मार के समाज के लिए कुछ करने की ना केवल ठानते हैं बल्कि समाज में उदाहरण बनकर दूसरों के लिए प्रेरणा साबित होते हैं। ऐसे प्रेरणादायक इंसानों में अपने देश की महिलाएं भी शामिल हैं। इस पर सोने पर सुहागा ये कि कृषि क्षेत्र में भी महिलाओं की भूमिका अभूतपूर्व है। कृषि के विभिन्न क्षेत्रों जैसे सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, फूलों की खेती, मुर्गी पालन, दूध उत्पादन, शहद उत्पादन आदि कार्यों में 80% कार्य महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। पूरे विश्व में 60 से 80% खाद्य पदार्थों का उत्पादन महिलाओं द्वारा किया जाता है। पिछले कुछ दशकों से खेती में किए जाने वाले नित नए प्रयोग और पेस्टिसाइड के अंधाधुंध प्रयोग के चलते भूमि की उर्वरा शक्ति और स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसके विपरीत प्रभाव न केवल मानव जीवन पर आने शुरू हो चुके हैं बल्कि जल की गुणवत्ता और पर्यावरण पर भी इसका प्रभाव देखने को मिला है। इसी स्थिति को समझते हुए महिला किसान श्रीमती यशिका आहूजा जी द्वारा भूमि की सेहत सुधारने का बीड़ा उठाया गया और इसे सेव सॉइल मिशन के रूप में स्थापित कर व्यापक स्तर पर किसानों को मिशन से जोड़ा जा रहा है। सिकरी फॉर्म्स की सह संस्थापक श्रीमती यशिका आहूजा जी देश की राजधानी दिल्ली में बैंक में मैनेजर के पद पर तैनात थी। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से 80 किलोमीटर दूर शाहबाद उपमंडल के गांव डंगाली में स्थित सिकरी फॉर्म के संस्थापक श्री कर्ण सिकरी जी से उनकी शादी हुई। शादी के बाद अपने पति का समाज के लिए कुछ करने का नजरिया देखा तो वो काफी प्रभावित हुई। इसी के चलते उन्होंने वर्ष 2013 में बैंक मैनेजर के पद से इस्तीफा दे दिया और पति के साथ मिलकर जैविक खाद्य निर्माण के काम को आगे बढ़ाने का निर्णय किया। यशिका जी ने इस काम को हाईटेक तरीके से करने का निर्णय लिया और हाईटेक यूनिट स्थापित की गई जिसमें जैविक खाद पूरी तरह हाईटेक मेथड से तैयार की जाने लगी। ये यूनिट वर्मी कंपोस्ट का ऑटोमेटिक पैकिंग की देश की वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिट है। इस यूनिट में 50 से 100 टन प्रतिदिन जैविक खाद तैयार करने की कैपेसिटी है। इसके लिए गाय का गोबर लेकर देशी विदेशी केंचुओं से प्रोसेस किया जाता है। विशेष मशीनों से ग्रेडिंग की जाती है। विशेष यंत्रों द्वारा नमी की मात्रा तथा जैविक फफूंदी नाशक का मिश्रण भी डाला जाता है। हाईटेक यूनिट में तैयार उत्तम जैविक खाद को मशीनों द्वारा ही 5, 10, 20 और 50 किलोग्राम की पैकिंग में पैक किया जाता है। इतना ही नहीं, यशिका जी केवल यहीं पर नहीं रुकी और फार्म पर श्री रामनाथ सॉयल टेस्टिंग लैब माया पशु गौशाला की स्थापना भी की गई। साथ ही मधुमक्खी पालन भी किया जाता है। गौशाला में पशुओं के लिए पौष्टिक फीड स्वयं तैयार किया जाता है। इस गौशाला में गीर, साहिवाल और देसी गाय के साथ साथ मुर्रा नस्ल की भैंसें भी शामिल हैं। मधुमक्खी पालन से शुद्ध शहद प्राप्त होता है। इसके अलावा जल संरक्षण के लिए ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल सिस्टम जैसे आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल फार्म पर किया जाता है। ये यशिका जी की मेहनत का ही परिणाम है कि वर्ष 2016 में बाबू जगजीवन राम नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा स्टेट लेवल पर हरियाणा सरकार, एग्रीकल्चर विभाग और हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा अनेक बार सम्मानित किया जा चुका है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं एग्रीकल्चर से जुड़ी हूँ, इस मुहिम से जुड़ी हूँ। हम कहाँ, मैं एक कंपनी में काम करती थी और आज हम 80 से 100 लोगों को रोज़गार देते हैं जो लोकल गांव के लोग हैं, और मुझे देख के खुशी होती है कि उसमें अधिकतर महिलाएं हैं और मेरी आगे भी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं खेती का हिस्सा बने। बहुत कुछ है खेती में करने के लिए, खाद है, दूध है, हनीज है, फ्लावरिंग है, सब्जियाँ हैं, क्या नहीं है, क्या कुछ नहीं हो सकता। और मेरी सबसे यही दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेती को चुनें क्योंकि यही हमारी रूट्स हैं, यहीं से हम शुरू होते हैं। और मुझे लगता है कि मिट्टी से जुड़ना, खेती से जुड़ना, नेचर से जुड़ना तो बहुत सौभाग्य की बात है।
तो जहाँ पे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वहाँ पे करें। हमेटी संस्थान लगातार महिला किसानों के लिए भी विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। इसमें खासकर हमारा फोकस रहता है वाटर कंजर्वेशन, सॉयल कंजर्वेशन और जो जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट पे भी लार्ज स्केल में महिला किसानों ने भाग लिया। जितने भी प्रशिक्षण कार्यक्रम हमने आयोजित किए गए हैं, सॉयल कंजर्वेशन में भी काफ़ी महिलाओं ने यहाँ से प्रशिक्षण लिया। और मैं जिक्र करना चाहूँगा विशेषकर श्रीमती यशिका, जो कि ढंगाड़ी गांव से हैं, शाहबाद ब्लॉक जिला कुरुक्षेत्र से, उनके हस्बैंड भी यहां पर संस्थान में प्रशिक्षण ले चुके हैं और उन्होंने भी किया, और आज उनकी मिसाल एक कामयाब महिला के रूप में मैं कहूंगा कि ली जा सकती है, उनका जिक्र किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने सेव सॉयल मिशन नाम से एक मुहिम शुरू की है और गाय के गोबर से एक लार्ज स्केल पर वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाकर, जो कि देश में ऑटोमेटिक सबसे बड़ा प्लांट कहा जा सकता है, जिसकी क्षमता प्रतिवर्ष 20,000 टन के आसपास है, वो काम कर रही है। और ये सारे का सारा काम महिला किसानों के द्वारा ही किया जा रहा है और वहाँ पर काफ़ी लोगों को इसमें, उन्होंने महिला जितनी उस गांव से, आसपास के गांव से जुड़ी महिलाएं हैं, उनको भी इसमें रोज़गार दिया है। मैं अन्य महिलाओं से अनुरोध करूँगा कि वो श्रीमती यशिका का अनुसरण करें, उनसे प्रेरणा लें और इतने जो अच्छे कार्य कर रही हैं महिलाएं अन्य जिलों में भी, वो सभी इसको ज़रूर देखें, अपनाएं। और ये जो साइट है अडंगाड़ी में, हमारे जितने भी ट्रेनिंग संस्थान में आते हैं, वो हमने उनको एक एक्सपोजर विजिट के रूप में भी चिन्हित की हुई है सारे ट्रेनिंग को, चाहे वो CCINM के हों, DSC डिप्लोमा के हों, वो जितने भी आते हैं, हम वहाँ पर उन सब का भ्रमण भी कराते हैं और काफ़ी उत्साहित होते हैं और आगे कुछ करने की प्रेरणा लेकर वहाँ से जाते हैं।